हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल स्पार्कल एजुकेशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम नैरेशन के 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि एसएससी स्टेनोग्राफर में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आगे बढ़ने से पहले, जैसे कि मैंने कल एक जीएस के स्ट्रेटजी पे वीडियो अपलोड की थी और उसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताए थे, तो उसमें मैंने पूछा था कि आपको ये टॉपिक कराया जाए या नहीं, तो आपने कमेंट करके बताया कि आप इन टॉपिक्स को कराइए। तो फ्रेंड्स, आज से भी टॉपिक आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। साथ में आज मैं आपको इंग्लिश की स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा कि इंग्लिश को आपको कैसे करना है। तो इस प्रकार से रीजनिंग और जीएस मैं बता चुका हूं और आज शाम आपको इंग्लिश की स्ट्रेटजी भी आपको बताऊंगा। फिर आपको कल से डेली तीनों सब्जेक्ट पर वीडियो मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो डेली तीनों सब्जेक्ट पर आपकी वीडियो मिलेगी, इससे आपकी प्रिपरेशन जो है काफ़ी अच्छी हो जाएगी और आपके जो मार्क्स है वो काफ़ी इंक्रीज होंगे। तो फ्रेंड्स, आप डेली हर वीडियो को फॉलो करना, डेली हर वीडियो को देखना, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए आते हैं आज की वीडियो पर। तो जैसा कि ये पार्ट टू है नैरेशन का, पार्ट वन में मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई थी जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, जो रूल्स होते हैं, जो इम्पोर्टेंट रूल होते हैं, जिनको आपको मतलब ये बेसिक होते हैं जो आपको पता ही होने चाहिए, है ना। तो ये मैंने पिछली वीडियो में बता दिए हैं डिटेल में। अगर आप पहली वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप उसको देखिए, देन उसके बाद सॉल्व कीजिए इसको, इन क्वेश्चनों को। और पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम लिंक चैनल से, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। तो यहाँ पर मैं आपको ओवरव्यू वैसे दे सकता हूँ। यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखिए, तीन चीज़ें होती है, चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ वर्ड। तो तीन चीज़ें मैंने इसमें बताई है। तो प्रोनाउन को कैसे चेंज करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड को ऑब्जेक्ट के, और थर्ड को नो चेंज। तो ये आप पहली वीडियो में देख सकते हैं, मैंने सारी चीज़ें बताई हैं आपको। और ये टेंस लिखे हुए हैं, किस टेंस को हम किस में बदलना है, जैसे प्रेजेंट को पास्ट इंडेफिनिट में, ये आप देख सकते हो यहाँ पर। और यहाँ पर आप ये देख सकते हो, यहाँ पर पढ़ सकते हो वीडियो को पोस्ट करके, यानी जो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है उसको नो चेंज किया जाता है, या फिर हिस्टोरिकल फैक्ट होता है, या फिर इमेजिन्ड कंडीशन होती है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर। और कुछ वर्ड हैं यहाँ पर लिखे हुए कि हेयर को देयर में, दीज को दोज में, दिस को दैट में, नाउ को देन में, किस तरह से यहाँ पर चेंज किया जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में, तो वो सब यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से पहले क्वेश्चन से। इन रूल्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर पढ़ेंगे, करेंगे इनको सोल्व। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, आई सेड टू हिम यू आर रॉन्ग। तो ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट स्पीच में आपको इसको बदलना है। देखिए, अगर मैं यहाँ पर पहला ऑप्शन देखता हूँ, सबसे पहली बात क्या है कि सेड टू को काई में बदला जाएगा, टोल्ड में, यानी ये जो सिंपल वाक्य है तो सेड टू को काई में बदल देंगे हम, टोल्ड में, ठीक है। तो आई टोल्ड, तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अब देखिए, पहला क्यों नहीं होगा, पहला इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ, तो यहाँ पर हाउ लिखा हुआ है, इससे तो कोई सेंस नहीं है। क्वेश्चन जब क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर बीच में नहीं लिखा हुआ है तो मतलब हाउ का यूज नहीं करेंगे। दूसरी बात, सी की अगर यहाँ पर बात की जाए, सी के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर देखिए आई सेड दैट, यहाँ पर यानी ऑब्जेक्ट गायब कर रखा है, तो यहाँ पर भी गलत हो जाएगा, हिम को यहाँ पर गायब कर दिया है, ठीक है। डी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो डी में लिखा हुआ है इज़ रॉन्ग, तो इज़ का यूज नहीं होगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट को काई में बदलते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, है ना। तो यहाँ पर इस प्रकार से आंसर हो जाएगा हमारा बी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ही सेड टू मी यू आर लेट। तो इसमें आपको बताना है कौन सा आंसर रहने वाला है। तो आंसर जो है इसका हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए आर के स्थान पर क्या करना पड़ेगा, पास्ट में करना पड़ेगा, सेड टू को टोल्ड में, तो यहाँ पर ऑलरेडी सी में है। अब बात करते हैं कि ए क्यों नहीं हुआ यहाँ पर, ए देखिए इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर सेड टू लिखा हुआ है, जबकि सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट करना चाहिए था, बी में भी सेड टू लिखा हुआ है, तो ये भी गलत हो गया हमारा। डी की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यू, जबकि यू को किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, यू को किया जाता है ऑब्जेक्ट के, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा मी, तो यहाँ पर यू के स्थान पर क्या होना चाहिए था आई, तो इसलिए यहाँ पर ये भी गलत है, तो आंसर कौन सा हो गया हमारा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला है द टीचर सैड बी क्विट बी क्विट द टीचर सैड बी क्विट एंड लिसन टू माई वर्ड्स। तो इसका आंसर आपको बताना है, आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा इसका सी। देखिए पहला इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर सैड टू लिखा हुआ है, ये गलत हो गया आपका। दूसरे की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है वर टोल्ड वी, तो वर का तो यूज नहीं होगा ना इसमें। फिर उसके बाद डी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर साउटेड, जबकि इस सेंटेंस में ऐसी कोई बात नहीं कही गई है साउटेड वाली, तो साउटेड यानी भाव के अनुसार भी हम यहाँ पर शब्द को लिखते हैं, जबकि यहाँ पर साउटेड वाली कोई बात नहीं की गई है, तो इसलिए यहाँ पर साउटेड नहीं आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसका सी। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है ही सैड दैट द बुक वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, ही सैड दैट द बुक वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, यानी ये ऑलरेडी इनडायरेक्ट स्पीच में बना हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा डायरेक्ट में बनाना पड़ेगा। तो सैड दैट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए आंसर हो जाएगा आपका पहला ही सैड दैट ही सैड दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अब देखिए क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर पास्ट कब आएगा, जब डायरेक्ट स्पीच में हमारा प्रेजेंट में होगा, है ना, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में होगा जब, तभी तो आएगा पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ पर एक ही यहाँ पर है, देखिए ए ही ऑप्शन है जो कि सिंपल प्रेजेंट में है, यहाँ पर फ्यूचर में हो गया, यहाँ पर पास्ट में हो गया, पास्ट परफेक्ट में, सॉरी यहाँ पर कायम हो गया प्रेजेंट परफेक्ट में, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट, यहाँ पर फ्यूचर में हो गया। तो इस प्रकार से आपका आंसर कौन सा है ए। आगे है, अगला है शी सेड टू हिम आई हैव बॉट ए न्यू कार, इसमें आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो है सी, सी टोल्ड हिम दैट सी हैड बॉट ए न्यू कार, इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए यहाँ पर वुड लिखा हुआ है, ये गलत हो गया। और अगर मैं बात करूँ बी में, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ए न्यू कार, जबकि हमारा सब्जेक्ट क्या है आई है, तो आई किसके अकॉर्डिंग आएगा फर्स्ट पर्सन के यानी सी के। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन में आपका लिखा हुआ है हैज़, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, जबकि आना चाहिए था हैड, तो यहाँ पर लिखा हुआ है हैज़। तो इस प्रकार आपसे आपका सी आंसर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, आई लव चॉकलेट सैड अंजलिन, तो ये आपको बताना है इसका आंसर कौन सा रहेगा। आंसर इसका हो जाएगा बी, कौन सा आंसर हो जाएगा बी, अंजलि ने सैड दैट शी लव्ड चॉकलेट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। अब यहाँ पर देखिए सी लव्ड चॉकलेट आएगा, यहाँ पर प्रेजेंट कर रखा है तो ये गलत हो गया, यहाँ पर भी प्रेजेंट कर रखा है तब गलत हो गया, और अगर इसकी बात करें यहाँ पर देखिए ये प्रेजेंट कर रखा है ये भी गलत हो गया। तो इस प्रकार से आप आसानी से ऑप्शन को भी इलेमिनेट करके हटा करके आप आसानी से अपना आंसर जो है चूज कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं, डू यू नो दैट मैन रवि आस्क्ड हिज फ्रेंड, तो इसमें आपको बताना है कौन सा आंसर रहेगा। आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा इसका सी, रवि आस्क्ड हिज फ्रेंड वेदर ही न्यू दैट मैन, तो इस प्रकार से आपका आंसर सी हो जाएगा। बाकी आप चेक कर सकते हो किस ऑप्शन में कौन सी गलती है, क्यों बाकी ऑप्शन नहीं हुए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आई आस्क्ड हिम वेदर ही हैड नॉट प्रोमिस्ड टू कम, इसमें आपको बताना है कौन सा आंसर रहेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बी, यानी आई सेड टू हिम डिड यू नॉट प्रोमिस टू कम, इसका आंसर ये हो जाएगा, है ना। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राहुल सैड व्हाट हैव यू बीन सर्चिंग फॉर ऑल दीज आर्स, तो इसमें आपको बताना है कौन सा आंसर होने वाला है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, बी आंसर इसका हो जाएगा, तो बी आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए ए इसमें लिखा हुआ है, इसमें होगा हैव लिखा हुआ है, हैव बीन, तो कायम होना करना पड़ेगा मुझे इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, तो यहाँ पर देखिए इसमें वाज यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो ये पास्ट कंटिन्यूस है, ये गलत हो गया। और इसमें बात करें तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये गलत हो गया। अब बात करता हूँ मैं डी की, तो यहाँ पर लिखा हुआ है राहुल सैड दैट और फिर वाट भी लिखा हुआ है, तो डबल कंजंक्शन का भी यूज़ हो रहा है और यहाँ पर सैड भी लिखा हुआ है, तो इस प्रकार से ये तीनों गलत हो जाएंगे। आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा ए, सॉरी बी, बी आंसर हो जाएगा।
चलिए लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है ये क्वेश्चन, ही सेड टू द चिल्ड्रन कम टू द पार्क विद मी। तो यहां पर आपको बताना है कौन सा इसका आंसर रहने वाला है। तो यहां पर आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा वी, बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ही इन्वाइटेड द चिल्ड्रन टू कम टू द पार्क विद हिम। अब देखिए यहाँ पर विद हिम सबसे लास्ट का जो अक्षर है, यहाँ पर मी लिखा हुआ है, यहाँ पर मी, यहाँ पर अस। अब देखिए इसमें लास्ट में मी लिखा हुआ है, यानी फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है, तो फर्स्ट पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है, सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, ही, तो ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हिम, न कि मी या अस। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप बाकी तीन ऑप्शन काट सकते हो, आंसर हो जाएगा हमारा बी। तो फ्रेंड्स ये 10 क्वेश्चन थे, और आज शाम को आपको जीएस का टॉपिक जो है मिलना स्टार्ट हो जाएगा आज से, और साथ में इंग्लिश की स्ट्रेटजी भी आपको बताऊंगा। उसके बाद जो है डेली आपको तीनों सब्जेक्ट पर आपको वीडियो मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। मैंने आपको पहले ही बता दिया वीडियो की स्टार्टिंग में, इससे आपकी जो प्रैक्टिस है और जो आपकी प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अगर जो हमारा ये प्रयास है आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।